अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लालीज़ किचन। आज हम चिकन कैसेडिया बनाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूँ मज़ेदार रेसिपीज़। चिकन कैसेडिया की जो चिकन है हम उसको मैरिनेट करने लगे। इसलिए इसके अंदर 1.5 किलो के करीब 1.5 kg मैंने चिकन लिया, जिसमें वाइट मीट और थाई पीसेस मिक्स हैं, और ऑलिव ऑयल के 2 टेबल स्पून, या वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कैचअप, और इससे हमारे अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 कैसेडियाज जो है रेडी हो जाएंगे। रेशो वाइज भी आपको बता रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून जो है वाइट विनेगर, सिंथेटिक विनेगर जो है ना, वो हम डालेंगे। इसके बाद ये जो 12 स्पाइसेस मैंने आपको बनाना सिखाई हैं, इसका लिंक मौजूद है, इसके हम 3 टेबल स्पून जो है ऐड करेंगे, और इसको मिनिमम हाफ एन आवर और मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स के लिए आप मैरिनेट करें तो फ्लेवर अच्छा आएगा। ये अब हमारे चिकन मैरिनेट हो चुकी है, अब इसको हम चिकन को रेडी करेंगे। आपने स्किलेट ले लेना है, उसको गर्म करके सही थोड़ा सा ऑयल डाल के, क्योंकि ऑयल अंदर भी है, तो इसको हम स्प्रेड कर देंगे, और उसके ऊपर फिर हल्का सा हम लिड इसको दे देंगे, इस पर मतलब कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। ये इसे देखें, मैंने कवर के से पानी छोड़ दिया, और अब इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई करके इसको रेडी कर लेंगे। फिर इसके हम मतलब ये इसकी फिलिंग रेडी हो रही है, फिर उसको मैं आपको फिक्स करके दिखाऊँगी। इसका भी कुकिंग टाइम है 10 मिनट्स के करीब ये रेडी हो जाता है। उसको हम निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर, क्योंकि हमें पैन चाहिए होगा कैसे दिया उसको रेडी करने के लिए। अभी हमने इसका टॉर्टिला रैप ले लेना है, और उसके अंदर अच्छी तरीके से चेडर चीज़ और मोज़रेला मिक्स भी डाल सकते हैं, सिर्फ मोज़रेला नहीं, चेडर और मोज़रेला मिक्स आप डालें, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। उसके साइड पे हम एक तरफ ये चिकन ऐड कर लेंगे, और हल्का सा उसको नीचे से हमने ऑयल किया होगा, ये देखें एक तरफ से वो गोल्डन हो गया, उसको हम प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से आपस में बाइंड हो जाए। और ये अब दूसरी तरफ से भी देखें गोल्डन ब्राउन हो गया। सिंपल, अगर आपकी घर में चीज़ें रेडी हों तो ये हार्डली 10 मिनट्स में आपके कैसेडियाज रेडी हो जाते हैं। चिकन अगर आपकी मैरिनेटेड हो और फ्रीज आप कर सकते हैं इसको। ये हमारा पहला रेडी हो गया। ये अब मैं आपको दूसरा वाला जो आइसबर्ग के साथ बना के दिखाती हूँ। अगर आप वेजिटेबल डालना चाहें तो आइसबर्ग भी बहुत अच्छी लगती है। उसी चीज़ में और डालूंगी ताकि अच्छी तरीके से ये भी आपस में बाइंड हो जाए। इसके आप ये पीसेस काट के इसको आप यू सर्व कर सकते हैं, इट्स अ कंप्लीट मील। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऊपर दिए गए लिंक के जरिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।